हम ब्लॉक स्तर से, डिस्ट्रिक्ट स्तर से, प्रदेश स्तर से क्या परिणाम देते हुए धरना प्रदर्शन करते हुए आज पांचवें चरण में अधिभारतीय स्तर दिल्ली में हम अपना ज्ञापन माननीय देश के सरकार को, देश के संसद को देना चाहते हैं और दे रहे हैं। और हमारी एक गुजारिश है कि जो हमारी सदियों से प्राप्त पेंशन थी उसे बहाल किया जाए। इससे नीचे हम कुछ नहीं मांग करते हैं और अगर हमारी पेंशन हमसे छीन ली गई और वो पेंशन अपने को बना लिए तो कदा से आपको हम पेंशन लेने नहीं देंगे। इस प्रकार का कार्यक्रम हम तय करेंगे, इस प्रकार का स्टेट में आंदोलन होंगे, इस प्रकार की चर्चा चर्चा करेंगे कि आपकी हर बात को, आपकी हर इस कार्यप्रणाली को हम जनता तक पहुँचाएंगे। जब पेंशन हमें मिली थी हमें पता नहीं चला 2004 में पूरे देश के कर्मचारियों की पेंशन चुपके से बंद कर दी गई। 2008 में, 9 में, 10 में एक बात चर्चा और प्रचर्चा के बीच में आई। कुछ लोग कह रहे थे बहुत अच्छी है, कुछ लोग कह रहे थे बहुत बुरी है। एक चर्चा प्रचर्चा 3-4 साल बाद शुरू हुई और करते करते एक दिन बीत गए, आज 13 साल हो गए। 13 साल हो गए सरकार ने हमारी पेंशन धीरे से छीन करके अपने को पेंशन से लैस कर लिया, अपने को पारिवारिक पेंशन से लैस कर लिया, अपने को अन्य भत्तों से लैस कर लिया और 600 कर्मचारियों को उनको भुगतान से सड़क पर खेल दिया। वो 25 साल, 30 साल, 35 साल की सेवा करने के बाद कुछ नहीं पाएंगे, वो घर को जाएंगे। और हमें लालीपाप दिया गया कि आपको NPS से जोड़ा जा रहा है, नई पेंशन स्कीम से जोड़ा जा रहा है। नई पेंशन स्कीम है क्या? आज तक 13 साल में देश में कोई व्यवस्था नहीं बन पाई कि जो हमारे पैसे कट रहे हैं, जो हमारे पैसे कटेंगे वो कहाँ जाएंगे, इसके साथी किसके पास रहेगी, इसकी देख रेख कौन करेगा। इस देश में आज 13 साल में कोई भी पेंशन नियामक आयोग ने सरकारें नहीं बना सकी, केवल हमारी पेंशन छीन करके अपने को पेंशन से लैस कर दी। मुझे ज्यादा नहीं मानना है, मैं विश्वास लाना चाहता हूँ अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ को, महोदय आपने जो लड़ाई छेड़ी है ये लड़ाई निश्चित ही एक ऐसी लड़ाई होनी चाहिए कि आज आपने कहा था। मैं विश्वास लाना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश से कम 8-10 हजार के शिक्षक यहाँ आएंगे। अभी आपने कहा था हमारे काफी शिक्षक पार्लियामेंट में जाकर के पार्लियामेंट में रखे घूम रहे हैं, बात हो रही है, सारे लोग आ रहे हैं, ये मोटिवेशन का कार्यक्रम है। मैं आदरणीय जी से कहना चाहता हूँ, इसके बाद आज आप ज्ञापन दीजिए, आपके ज्ञापन का असर है। जो हमने पटन से लेकर के स्टेट से ज्ञापन दिया उसका परिणाम है कि आज संसद में भी माननीय सांसद महोदय, कुछ सांसद महोदय भी आपके पुरानी स्कीम, पुरानी पेंशन के पक्ष पर है। कुछ सांसद भी आपकी बात संसद में उठाने का प्रयास किए हैं, माननीय मोदी जी के समक्ष रखने का प्रयास किए हैं कि कर्मचारी शिक्षक आंदोलित है, उन्हें पुरानी पेंशन से लैस किया जाए। ये आपका जो जनजागरण है, पेंशन की बहाली की जो मुहिम है, निश्चित ही कामयाब होगी और लड़ाई के लिए आप उस स्तर की लड़ाई खेलेंगे। मेरा एक अनुरोध है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं कहना चाहता हूँ आज उत्तर प्रदेश का शिक्षक, उत्तर प्रदेश का कर्मचारी मुहिम एक हो चुका है। इस पेंशन की लड़ाई के लिए हमारे यहाँ सारे कर्मचारी, शिक्षक महापन प्रारंभ से लेकर महाविद्यालय तक शिक्षक कर्मचारी, अभी आपके बीच में हमारे कर्मचारी और शिक्षक समिति के अध्यक्ष हमारे मंत्री साहब अभी आपके बीच में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप आह्वान करिए, आज के बाद आप कार्यक्रम बनाइए और एक दिन का कार्यक्रम बनाइए, आज तो आप ज्ञापन दे रहे हैं, एक दिन का कार्यक्रम है। मैं अनुरोध करूंगा कि इस दिल्ली की संसद को खेलने का प्रयास करिए, 2-4-5 दिन का कार्यक्रम करिए ताकि दिल्ली के सांसद और यूपी सारे मंत्री ये जान लें कि शिक्षक आंदोलित है, कर्मचारी आंदोलित है, तभी आपकी सारी पेंशन बहाल हो सकती है। मैं अनुरोध के साथ की आह्वान के साथ उत्तर प्रदेश इस अगुवाई में आपकी किस लड़ाई में पुरजोर समर्थन करता है और जो भी कार्यक्रम आप बनाएंगे, लाखों लाख शिक्षक हम बसों को पकड़ के, अपने पठन को बंद करा करके, अपने विद्यालय को बंद करा करके दिल्ली की सभी बदलाने का प्रयास करेंगे। इसी कार्यकाल के वादन के बाद जय शिक्षक, जय स्वास्थ्य।